तो आप सब मुझे कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक सजेस्ट करते हो और उसी पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन आज से हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ जिसका नाम है संडे विद सुपर बैटल। बेसिकली इस सीरीज़ में हम हर संडे कमेंट्स में से कुछ क्वेश्चंस पिकअप करेंगे जिनके आंसर मैं आपको दूंगा। लेकिन इस सीरीज़ का रूल ये है कि एक वीडियो के लिए सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर का कमेंट लिया जाएगा, कुछ इस तरह। इसलिए अगर आप कमेंट कर रहे हो तो हैशटैग संडे करके जितने भी आपके क्वेश्चन है कमेंट्स में लिख दो। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओडिन वर्सेस एंशिएंट वन। अब इस पर मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन कोलैबोरेशन के लिए मैंने सुपरनेट के साथ मिलकर ओडिन वर्सेस ज्यूस बना दी। लेकिन अब जिन्हें नहीं पता कि एंशिएंट वन और ओडिन कौन है, तो ओडिन एसगार्ड का राजा है, थॉर, लोकी और हेला का पप्पा और नाइन रियलम्स का प्रोटेक्टर जिसे डार्क मैजिक करना आता है, और ओडिन के पास ओडिन फोर्स है। अब हमें ये नहीं पता कि एमसीयू की ओडिन फोर्स एग्जैक्टली क्या है, लेकिन कुछ तो है। और एंशिएंट वन एक सोसर सुप्रीम है जिसका काम है डार्क डायमेंशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करना। एंशिएंट वन को कई तरीके के मैजिक आते हैं। जवान दिखने के लिए ये डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब करती है और फ्री टाइम में जादू भी सिखाती है। बट अब अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों अपना मैजिक यूज़ नहीं कर सकते और बैटल से फिजिकली होगी। तो यहाँ पर ओडिन का जीतना पक्का है क्योंकि सबसे पहले तो वो एक एसगार्डियन है, जिसका मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में ओडिन फिजिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और एंशिएंट वन से ज़्यादा ओडिन के पास लाइफ और फाइटिंग एक्सपीरियंस है। और ओडिन एक वॉरियर है जिसके पास लाखों साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए हैंड टू हैंड फाइट में ओडिन आराम से विनर बन जाएगा। लेकिन अब अगर ये दोनों अपना मैजिक यूज़ करना शुरू कर दे तो अब बताना काफ़ी मुश्किल है कि इन दोनों में से विनर कौन बनेगा। दोनों को डार्क मैजिक करना आता है, लेकिन अगर मुझे किसी को विनर बनाना हो तो मैं ओडिन को विनर घोषित करूँगा क्योंकि उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उसने त्रेता युग में सर्टर को बैटल में हराया था, जबकि एंशिएंट वन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए ओडिन वर्सेस एंशिएंट वन का विनर ऑल फादर ओडिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिन वर्सेस कैप्टन मार्वल। ओडिन क्यों? क्योंकि ओडिन ने हेला और सर्टर को बीट किया है जिन्हें हराना थॉर के लिए इम्पॉसिबल था, जबकि कैप्टन मार्वल ने अभी तक सिर्फ स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया है। हाँ, थैनोस के साथ फाइट की है, लेकिन कैप्टन मार्वल थैनोस के आसपास भी नहीं थी पावर लेवल में, और ओडिन तो नाइन रियलम्स को कॉन्कर कर चुका है, इसलिए ओडिन कैप्टन मार्वल को आराम से बीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन मार्वल वर्सेस एंशिएंट वन। एंशिएंट वन आराम से, एंशिएंट वन ने हल्क के साथ जैसा किया, अगर वैसा कैप्टन मार्वल के साथ किया तो फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, या एंशिएंट वन कैप्टन मार्वल को डायमेंशन में ट्रैप कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर फिजिकल फाइट हो तो 10 में से 6 बार कैप्टन मार्वल विनर बन सकती है क्योंकि वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है। क्या कैप्टन मार्वल एक डाइंग न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है थॉर की तरह? तो सबसे पहली बात, थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं किया था, और अगर स्टॉर्मब्रेकर टाइम पर ना बनता तो थॉर वही मर जाता। लेकिन अगर बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन पावर है, लेकिन एमसीयू में अभी तक हमें ठीक से दिखाया नहीं गया कि कैप्टन मार्वल किस लेवल तक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। और हो सकता है कि कैप्टन मार्वल कुछ मिनट्स के लिए न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन एक टाइम के बाद एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को कैप्टन मार्वल को रिलीज करना होगा। तो आंसर है हाँ, कैप्टन मार्वल एक लिमिटेड टाइम तक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। अगला क्वेश्चन है स्टॉर्मब्रेकर वर्सेस थैनोस वेपन। अब थैनोस वेपन्स का मतलब इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टॉर्मब्रेकर से ज्यादा पावरफुल वेपन है लॉजिकली। लेकिन अगर हम यहाँ पर थैनोस के डबल ब्लेड स्वॉर्ड ले तो ऑफकोर्स स्टॉर्मब्रेकर एक ज्यादा बेटर वेपन है। रॉकेट वर्सेस ग्रूट। अब ये दोनों कुछ भी हो जाए एक दूसरे के साथ फाइट तो नहीं करने वाले, लेकिन अगर कभी करते हैं तो रॉकेट ग्रूट को बीट कर सकता है क्योंकि रॉकेट ग्रूट के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे वेपन्स को काफी अच्छे तरीके से चलाना आता है। क्या होता अगर रॉकेट स्नैप करता? अब थैनोस और प्रोफेसर हल्क दोनों की बैंड बज गई थी स्नैप करते टाइम, और रॉकेट की ड्यूरेबिलिटी इन दोनों के आसपास भी नहीं है, तो स्नैप करना तो बहुत दूर की बात है। रॉकेट इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन भी नहीं पाता, तो स्नैप करना तो बहुत दूर की बात है। क्या इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर थॉर की बॉडी को डैमेज कर सकती है? आंसर है हाँ, क्योंकि थॉर की ड्यूरेबिलिटी प्रोफेसर हल्क और थैनोस के बीच में है, और हम देख चुके हैं कि थैनोस का क्या हाल हुआ था स्नैप के बाद, और अगर थैनोस को डैमेज हो सकता है तो थॉर को भी हो सकता है। और फाइनल क्वेश्चन, क्या थॉर नेडेवलर जाकर एक न्यू इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना सकता है या नहीं? तो हाँ, थॉर एक न्यू इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवा सकता है।
लेकिन उसे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स ऑफिशियली अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन हाँ, थॉर इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना सकता है। तो बस इसी के साथ हम संडे विद सुपर बैटल का आज का एपिसोड खत्म करते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपके कोई मल्टीपल क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।